एक बार फिर मैं आपके समक्ष एक महत्वपूर्ण विषय लेकर आया हूँ। ठंड का मौसम है और ठंड में स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। भारतवर्ष में ठंड में 15 लाख व्यक्ति स्ट्रोक से प्रभावित होते हैं, जिसमें एक तिहाई व्यक्ति विकलांग हो जाते हैं। ठंड में 80% स्ट्रोक की संभावना बढ़ जाती है। आखिर ऐसा क्यों होता है और किस प्रकार से हमें बचना है, इसके संदर्भ में जानकारी प्राप्त करें। ठंड में जो खून की धमनियां हैं सिकुड़ जाती है, जिसके कारण रक्त का दबाव बढ़ जाता है, और रक्त का दबाव बढ़ जाने से काफ़ी ताकत लगाना पड़ता है, जिसके कारण स्ट्रोक हो जाता है। कोई भी व्यक्ति ठंड में स्ट्रोक से प्रभावित हो सकता है। दूसरा कारण है मोटापा। मोटापा में 11% तक स्ट्रोक होने की संभावना बढ़ जाती है। ठंड से बचने के लिए, स्ट्रोक से बचने के लिए हमेशा तरल पदार्थ लेना चाहिए और गुनगुने पानी का सेवन करना चाहिए, जिससे स्ट्रोक और हार्ट अटैक से बचा जा सकता है। बुज़ुर्गों को विशेष ध्यान देना होता है, और सबसे बड़ी बात है कि कोलेस्ट्रॉल को भी समय समय पर, खासकर ठंड में, चेक कराना चाहिए। और अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है तो हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन अगर हम समय समय पर इसका चेक करें तो दवाई के माध्यम से कोलेस्ट्रॉल को कम किया जा सकता है। खून को पतला करने के लिए लहसुन और प्याज का भी सेवन करना उचित माना गया है। जो व्यक्ति डायबिटीज़ और उच्च रक्तचाप से प्रभावित हैं, उन्हें ठंड में विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त बुज़ुर्गों को यह सलाह दी जाती है कि ठंड में जो मॉर्निंग वॉक करते हैं, ठंड में धूप निकलने के बाद उन्हें मॉर्निंग वॉक करना चाहिए, जिससे स्ट्रोक और हार्ट अटैक से बचा जा सकता है। इन सभी सावधानी को अगर हम बरतते हैं तो स्ट्रोक और हार्ट अटैक से बचा जा सकता है। अंत में मैं कहना चाहूँगा, इस महत्वपूर्ण व्यू को लाइक और शेयर अवश्य करें, जिससे लोगों में जागरूकता हो और इसका समाधान हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।